Hey, hi, hello, what's up everyone? It's me Shailesh Vatkar and welcome back to my channel Fit Marinate. Or let's start this video. And thank you so much guys for your 1000 subscriber. I hope you will like this video too. Actually ये video काफ़ी useful होगा उन लोगों के लिए जो मुझे बार बार पूछते हैं कि electrical officer on board ship क्या job करता है, क्या duties होती है उनकी on board ship. तो इसके ऊपर मैंने videos already बना दी थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे jobs थे जो pending थे, मैं बताना चाहता था, मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में. तो इसको एक एक पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा ये वीडियो. याद रखिए ये मेरी बात, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो मैंने ऑनबोर्डशिप आने के बाद जॉब्स किए हैं. ऑनबोर्डशिप आने के बाद तो मेक श्योर कीजिए कि एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, क्योंकि आने के बाद आप ऑनबोर्डशिप आपको ये फिर चीज़ें हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनबोर्डशिप आने के बाद जो मेजर जॉब्स आते हैं उनमें से मैं बताऊंगा जो मैंने खुद सॉल्व किए या फिर फेस किए हैं उसमें से. तो फर्स्ट था लो इंसुलेशन फाइंड आउट. अभी लो इंसुलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपका पावर सप्लाई या 110 हो या 220 हो या 440 का हो, जो भी है, आपको लो इंसुलेशन प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी ऑनबोर्डशिप. क्योंकि क्या हो जाता है, कभी वो मॉइस्चर की वजह से आ जाता है, कभी वो किसी वायर कट होने की वजह से आ जाता है, या फिर कहीं पर कुछ रस्टी हो गया है, या फिर कहीं उसी वाटर की वजह से पूरा वाटर चला गया है, पूरा ख़राब हो चुका है. तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको लो इंसुलेशन जिसकी वजह से आता है. तो वो फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी लोकेशन से आ रहा है. तो ये एक उसकी प्रोसीजर होती है, वो अलग से मैं बनाऊँगा उसका वीडियो. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है जो सॉल्व करना ज़रूरी होता है ऑनबोर्डशिप एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर. नेक्स्ट मोटर ओवरऑलिंग करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेंटेनेंस के जॉब आ जाते हैं. तो मेंटेनेंस में तो आपको मोटर ओवरऑल करके, उसका वॉर्निशिंग करके, बेयरिंग चेंज करके, अच्छे से उसको पूरा चेक करके, फिर से उसको असेंबल करके फिट कर देना. तो इसकी एक प्रोसीजर है, इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएंगी. अभी मैं मेरी मेन सी वाटर पम्प नंबर 1 का ओवरऑलिंग करूँगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा. तो आई होप वो वीडियो मैं डाल पाऊँ, तो तब देख लेना कैसे मोटर ओवरऑलिंग होती है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंसुलेशन टेस्ट. हर एक कंपनी की पॉलिसी होती है मंथली आपको कम से कम 30 या फिर मिनिमम 15 मोटर्स का इंसुलेशन टेस्ट करना पड़ता है. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी मोटर की सिचुएशन कंडीशन कैसी है, हेल्थ कंडीशन कैसी है. तो हमेशा याद रखिए 1 MΩ इज़ द मिनिमम वन एक्चुअल स्टैंडर्ड वन, बट ट्राई टू मेंटेन इट एज 5 MΩ और 2 MΩ मिनिमम. ये ज़रूरी है, उससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा मोटर से भी. और हमेशा मोटर को देखा कीजिए, टच करके फील कीजिए. उसके बाद स्मेल, कोई अबनॉर्मल स्मेल है या फिर नॉइज़ है या फिर कुछ हीटअप हो रही है मोटर, तो वो चेक किया कीजिए आपके राउंड में, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जॉब है बैटरी मेंटेनेंस. सैटरडे रूटीन में आता है, हमेशा आपको बैटरी वोल्टेज मेजर करनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट भरना पड़ता है, या फिर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है, वैसलीन लगानी है, या फिर जो भी है, ये सारी छोटी छोटी जॉब होती है. बैटरी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. बैटरी को चार्ज कितने टाइम रखना है, डिस्चार्ज कितने टाइम रखना है, ये सारी चीज़ें आप याद से अच्छे से उसको फॉलो कीजिए. तो ये एक इंपॉर्टेंट जॉब होता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है अलार्म ट्राइड आउट. अलार्म ट्राइड आउट में अभी वेरियस टाइप्स ऑफ अलार्म्स ऑन बोर्ड शिप, लाइक लीक ऑफ अलार्म हो गया फॉर जनरेटर, फिर उसके बाद फायर अलार्म्स हो गए, फिर उसके बाद विडास वाटर इनग्रेस डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, उसके लिए अलार्म्स ट्राई आउट करना पड़ता है. तो ये सारे अलार्म्स आपको ट्राई आउट करने पड़ते हैं ऑनबोर्ड शिप. तो इन सारे अलार्म्स की आपको जानकारी होना ज़रूरी है, कैसे ट्राई आउट करते हैं, कैसे उनको सरपास कर सकते हो आप, कैसे उनको मेंटेन रखते हैं, कैसे उसका रिपोज करते हैं, रिपोज से हटाते हैं, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट रिपेयर्ड ऑनबोर्ड शिप. लाइक मैं बोलता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का जॉब जो होता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कभी भी ख़राब होती है तो उसको बनाना है और ट्राई करना है वो प्रॉब्लम फिर से ना आए. तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयर में मैंने अभी तक इतने सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपेयर किए हैं, बाप रे बाप, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल विंच हो गया, बैटरी चार्जर हो गया, टेलीफोन हो गया, फ्रिज हो गया, बहुत सारी चीज़ें. अपना ये सारी चीज़ें रिपेयर करने के टाइम आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलती है. और ये है कि आपको इवेंचुअली प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, उसके मैनुअल पढ़ो, मैनुअल पढ़ के उसका डायग्राम
देखो कैसा है क्या है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब जब स्टार्ट करोगे ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तब धीरे 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 आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे और फिर आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, लाइक कोई भी अगर नई चीज़ें आती है ऑनबोर्ड शिप, तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को बोला जाता है चेक एंड वेरीफाई इज इट दिस वन इज सुटेबल फॉर आर शिप और नॉट। तो वो चेक करना है, उसका अच्छे से स्पेक्स देखना है, फिर उसके बाद देखना है उसको केबल की लेंथ क्या है, कि कहाँ पे लोकेशन पे होगा, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, क्या यूज़ है, क्या वेदर है, क्या सिचुएशन है, क्या आईपी एड्रेस है, क्या वोल्टेज है, क्या फ्रीक्वेंसी है, वो सब चेक करके उसको इंस्टॉल करते वक्त अपना इंस्टॉलेशन का काम भी करना है, वो आपको पता होना चाहिए एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। फिर उसके बाद एसी मेंटेनेंस, अभी ऑनबोर्ड शिप एक एसी मेंटेनेंस का जॉब इतना इम्पोर्टेंट है कि भी अगर कोई भी अगर सिचुएशन हो, ठंडी हो या गर्मी हो, एसी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि उसको आप उसके बिना तो ऑनबोर्ड शिप बहुत हालत लोग पागल हो जाते हैं अगर एसी नहीं चल रहा हो तो, और सीधा कॉल आता है 32 आपके रूम में। तो इसलिए हमेशा मेंटेनेंस किया करो, चेक किया करो, एवरी डे राउंड लो, टेम्परेचर देखो उसका, सक्शन डिस्चार्ज ऑयल प्रेशर सब चेक किया करो, देखो कट ऑफ तो नहीं है, क्या है, क्या अलार्म पे क्या इस पे कट ऑफ रखा है, क्या कटिन है, वो सब अच्छे से देखो। फिर उसके बाद लीक टेस्ट होता है, वो लीक टेस्ट किया करो। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू मेंटेन योर एसी मेंटेनेंस एंड ऑल, फिर उसके ऊपर ही वीडियो आएगा तो वो देख लेना अच्छे से। फिर उसके बाद और क्या होता है, हाँ डिफ्रोस्टिंग करना पड़ता है प्रोविजन रूम का, वो अच्छे से देखो, मतलब हमेशा देखना है, वीकली जाके चेक करना है, ज़्यादा आइसिंग तो नहीं हुआ है तो उसको डिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट भी होता है या फिर आपको गर्म पानी से उसको डिफ्रोस्ट करना पड़ता है। ये सारी टेक्निक्स आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखने मिलेंगे ऑनबोर्ड शिप आने के बाद, बट ट्राई करो कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो पता हो, एटलीस्ट थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है ड्रिल, ऑनबोर्ड शिप जो ड्रिल अटेंड करनी पड़ती है उसमें भी बहुत सारी, मतलब सोपेप हो गया, मैन ओवरबोर्ड हो गया, अबंडन हो गया, फायर अलार्म वाला हो गया, फिर उसके बाद स्टोवेज का हो गया, ये सारी जो ड्रिल्स होती है उसमें इन 32 साहब का क्या रोल है, कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या कौन सा आइसोलेट करना है, फायर अलार्म आ रहा है तो आपको कौन सा जोन आइसोलेट करना है, क्या करना है, कौन सा पावर सप्लाई का केबल कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे उसका ब्रेकर है, कहाँ पे उसका मेन स्विच ब्रेकर है, कहाँ पे उसका लोकल कंट्रोल पैनल है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए ऑनबोर्ड शिप, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइफ बोट एंड रेस्क्यू बोट मेंटेनेंस, एक्चुअली ये जॉब आता है थर्ड ऑफिसर के अंडर, बट उसके भी अंडर आता है आपके जो जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, लाइक इंटीरियर लाइट हो गया, कैनोपी लाइट हो गया या फिर सर्च लाइट हो गया, ये ज़रूरी है रनिंग कंडीशन में हो, चलती हो, कभी भी कोई भी पीएससी आ रहा है सर्वेयर या फिर जो भी कोई आ रहा है चेक करने के लिए, ये सारी चीज़ें वो देखता ही देखता है। तो ट्राई किया करो कि मतलब सारी लाइट्स वर्किंग कंडीशन में हो, बैटरीज चार्ज हो मतलब प्रॉपरली, और फिर उसके बाद इंजन स्टार्ट करके देखो कितना आफ्टर 3 स्टार्ट हाउ मच वोल्टेज दैट इज शोइंग, एंड हमेशा ट्राई करो कि आप एक एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चेक करोगे लाइफ बोट रेस्क्यू बोट का, अगर कुछ भी अगर छोटी टॉर्च भी है वो भी जलनी चाहिए, हर एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया चेक नेविगेशनल इक्विपमेंट ऑनबोर्ड शिप, लाइक नेविगेशनल इक्विपमेंट भी आपके अंडर आते हैं। पहले क्या होता था, ऑनबोर्ड शिप रेडियो ऑफिसर होता था जो इन सारे इक्विपमेंट पे ध्यान देता था, लेकिन जब से ये नया रूल आया है, नए सब इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जो भी अभी एग्ज़ाम दे के COC लेके आ रहे हैं, इनके अंडर ये सारी चीज़ें आती है, जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑटोमेशन जिसमें भी, सब मतलब कंप्लीट आपके अंडर आए। तो आपको ये नेविगेशनल इक्विपमेंट भी देखने, समझने क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, अगर कुछ फॉल्ट आता है, लाइक मेरे एक डिस्क का फ़ैन ख़राब हो गया था तो फ़ैन चेंज किया मैं, जब जैसे ज्वाइन किया था मैंने शिफ्ट, तो मैग्नेट्रॉन एस बैंड और एक्स बैंड का रडार का चेंज किया था, उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो अच्छे से देखना है, समझना है, और फिर बाद में जाके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करना है। ये याद रखना है, डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाने का कोशिश मत करो, उसको समझो पढ़ो फिर बाद में उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑल लाइटिंग शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, एमरजेंसी लाइटिंग, नॉर्मल लाइटिंग बोथ शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। जब भी कोई आता है ऑनबोर्ड शिप उनको पता चलता है कि 32 साहब का काम कितना अच्छा है और कितना बुरा है, वो कि जो ट्यूबलाइट कंडीशन जो है उसके हिसाब से ऑनबोर्ड शिप आपको हर एक ट्यूबलाइट को मेंटेन रखना है, एमरजेंसी लाइट स्पेशली, नॉर्मल लाइट भी होनी चाहिए सारी,
की सारी मेंटेन ट्राई करो उनको मेंटेन रखना। लो इंसुलेशन नहीं आए उनसे काफ़ी टाइम आता है आउट पैसेज लाइट से या फिर नेविगेशन लाइट से, वो देखो अच्छे से वो सिक्योर मतलब अच्छे से उनको इंसुलेशन इंसुलेट करो प्रॉपरली, उसको वैसे अपना सिलिकॉन सीलेंट लगाओ सही से उसको मेंटेन रखो तो हो जाएगा सब ठीक है। नेक्स्ट है परमिट मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड बुक। अभी टोटल इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के अंडर में बैटरी लॉग बुक आ जाता है, फिर उसके बाद MGPS ICCP का रिकॉर्ड आ जाता है, एयर गार्ड होगा तो एयर गार्ड स्टन ट्यूब एयर गार्ड का आ जाता है, फिर उसके बाद मंथली आपका जो डेली वर्क डन जाता है वो एक अच्छे से मेंटेन रखो, फिर उसके बाद परमिट लोड लोटो वर्क लॉक ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है। फिर नेक्स्ट है मैक एक्सटेंशन बोर्ड्स, एक्सटेंशन बोर्ड बना के रखो स्पेयर, क्योंकि क्या है कभी भी अगर कोई आता है वर्कशॉप वाला टीम आता है या फिर कोई भी आपका इंजन में जॉब है कहीं और डिस्टेंस पे है जहाँ पे ये नहीं है कनेक्टर लगाने की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप एक्सटेंशन बोर्ड बढ़ा के वो जो भी लाइट्स है या फिर ग्राइंडिंग मशीन हो या जो भी है यूज़ कर सकते हो, तो एक्सटेंशन बोर्ड एक्स्ट्रा बना के रखा करो जब भी आप ऑनबोर्डशिप जाते हो। फिर उसके बाद चेक लिमिट स्विचेस, लिमिट स्विचेस जो भी है मतलब जितने भी होते हैं लाइक अकोमोडेशन लैडर में होंगे, प्रोविजन क्रेन में होंगे, फिर उसके बाद मेन इंजन में होते हैं, फिर उसके बाद ECR क्रेन में भी होते हैं, तो ये सारी जो लिमिट स्विचेस हैं उनको चेक करते रहना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है MSB पैनल, ऑल इंडिविजुअल स्टार्टर्स एंड ग्रुप स्टार्टर पैनल्स। अभी ये MSB पैनल में जितने भी इंडिविजुअल ग्रुप स्टार्टर पैनल, जनरेटर का पैनल या फिर ब्लास्ट कंट्रोल पैनल जो भी है आपके, उनके सारे के सारे लाइट्स हमेशा चेक करते रहो, कभी भी कोई फ्यूज़ होता है तो तुरंत रिप्लेस कर दो, क्योंकि क्या है जो ड्यूटी इंजीनियर होता है उसको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलती है कौन सा मोटर रनिंग है, कौन से ब्लास्ट पंप रनिंग है, जो भी है उसको उसी से ज़्यादा इंडिकेशन मिलता है, तो हमेशा जब भी आप पहले एंट्री लेते हो ECR में तो चेक किया करो कि ऑल लाइट शुड बी वर्किंग। ओके द नेक्स्ट वन इज टेलीफोन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज मस्ट ऑनबोर्डशिप, उसके अलावा आपकी वॉकी टॉकी, आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन, आपका पब्लिक एड्रेस, ये आपको मेंटेन रखना है अच्छे से ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेट कनेक्शन, ऑनबोर्डशिप इंटरनेट कनेक्शन भी आपके अंडर आता है, अगर इंटरनेट बंद होता है तो आपको फाइंड आउट करना है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्टार्ट करके देखो या फिर जो भी है उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करने का ट्राई करो एंड सॉल्व करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है MGPS को मेंटेन रखना, MGPS ICCP शाफ्ट अर्थिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आप ऑनबोर्डशिप जाते हो चेक करो ब्रश की कंडीशन क्या है, चेक करो उसका वैल्यू क्या शो कर रहा है, इट शुड बी मिनिमम 5 to 50 mV, वो हमेशा उसको मेंटेन रखो। MGPS का रिकॉर्ड बुक मेंटेन रखो, चेक करो क्या है क्या नहीं, फ्रेश वाटर जनरेटर का हमेशा सैलिनिटी चेक करो, अलार्म आता है वहाँ से भी, या फिर आपको जितने भी स्टेयरिंग गियर अलार्म है वो चेक करने पड़ते हैं। ये सारे जॉब्स आपके अंडर आपके आएंगे और ये सारे मैंने परफॉर्म किए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको इतना बता पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ एक एक चीज़ों के ऊपर अलग से जो कि आपको मैं शेयर करूँगा। उससे पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपको इतने यूज़फुल होगी कि आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट कि आपको क्या ऑनबोर्डशिप जॉब करनी ठीक है। मेन इंजन डिकाप हो गया, ऑक्सिलरी इंजन डिकाप हो गया, अल्टरनेटर मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें भी आएंगी धीरे धीरे करके ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम जितना मैंने जॉब किया है मैंने बताया हुआ है, तो ये अच्छे से वीडियो देखो, नोट डाउन करो, पढ़ो, और बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको इस वीडियो से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का, क्योंकि अभी मैं धीरे 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 बहुत ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा इस चैनल पे। एक्चुअली मेरा सेलफोन ख़राब हो गया था, तो सेलफोन ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था और ना ही मुझे टाइम मिल रहा था, लेकिन अभी टाइम मिलेगा, अभी थोड़ा इंजन का माहौल थोड़ा शांत हो गया, हमसा सर्वे हमने क्लियर कर लिया है, तो अभी थोड़ा माहौल चिल्ड है, सब मेंटेन्ड है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अभी मैं ट्राई करूँगा वीडियोज़ बनाने की ठीक है। आई होप यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन।